दोस्तों कई बार हम कान की छोटी मोटी परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक पेशेंट दिखाने वाला हूँ जिसके कान में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, सिर्फ कान में भारीपन रहता था। पेशेंट जब पहली बार हमारे पास आया तो हमने उसे दवा दी और हमें कोई बड़ी परेशानी नहीं लगी। लेकिन जब एक हफ्ते के बाद पेशेंट दोबारा हमारे पास आया और पेशेंट ने कहा कि उसे बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ है, तो हमें कुछ शक हुआ कि शायद कोई और परेशानी हो। और जब हमने उसे एग्जामिन किया तो उसके गले की एक नस में ट्यूमर था, जिसके लिए फिर बाद में पेशेंट का ऑपरेशन किया गया और पेशेंट बिल्कुल अब ठीक है। और जब दिखाने आए थे हमारे पास तो क्या परेशानी थी आपको? उनको कान से बाहर बाहर कौन लग रहा था। कितने दिन तक था भारीपन? ये दो चार साल से दो चार साल से भारीपन रहता था। हमारे पास जब आप आए हो तो एक हफ्ते हमने आपको दवाई नहीं दिखा दी है ना, और उससे आपको बिल्कुल आराम नहीं हुआ। फिर दूसरे ही हफ्ते हमने आपको उंगली डाल के अंदर चेक की और फिर MRI कराया, उसमें अंदर गांठ निकली थी आपकी, वो आपने फिर PGI में ऑपरेशन कराया। धीरे धीरे अभी काफी ठीक हुआ है ना, और यहाँ पे निशान अभी है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक निशान है ना, यहाँ से कट करके अब तो निशान लगभग गायब हो गया। ठीक है, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी ऐसी कोई परेशानी हो जिसके लिए आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें ये एक पेड कंसल्टेशन होता है, क्योंकि ऑनलाइन पेशेंट की डायग्नोसिस को समझने में कई बार काफ़ी समय लग जाता है। इसके लिए हमें पेशेंट से डिटेल हिस्ट्री निकालनी होती है जिसमें समय लगता है, इसलिए ये कंसल्टेशन पेड होते हैं।